So hey guys, welcome back to our channel, The Modern Pahadis, myself Bhavna. And कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं. तो फिलहाल आज एक बहुत स्पेशल डे है. स्पेशल इसलिए क्योंकि मैंने एक चीज परचेज करी है एंड उसके लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी. बहुत ज्यादा सर्च करा मैंने यूट्यूब में एंड लॉकडाउन से पहले लोकल मार्केट में, बट मुझे जैसा चाहिए था मुझे वैसा नहीं मिल रहा था. तो काफी ज्यादा ब्राउज करने के बाद मुझे मेरी फेवरेट रिंग लाइट मिल गई है अमेजोन से. इसे ये एक दो दिन पहले ही मुझे डिलीवर हुई है, बट टाइम थोड़ा मिसमैच हो रहा था इसलिए मैं उसको अनबॉक्स वगैरह नहीं कर पाई. हालांकि मैंने जस्ट उसका टेस्ट करने के लिए, लाइक कि कुछ पार्ट्स मिसिंग ना हो, तो क्योंकि उसमें 7 डेज का ही वो है एक्सचेंज है, इसलिए मैंने उसे एक बार चेक कर लिया है. उसके बाद जब मैं सेटिस्फाई हो गई कि हाँ ये ठीक है, तो अब मैं उसको आपके सामने फिर से एक बार काइंड ऑफ अनबॉक्स करके उसके सारे स्पेसिफिक्स जो भी हैं वो सब आज मैं रिवील करूंगी और एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि वो अच्छा है भी या नहीं, मैंने जितने का बाय करा है उतने का वो वर्थ है या नहीं. सो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं. ये है वो रिंग लाइट जो मैंने परचेज की है अमेजोन से. ये डिजिटेक की है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि दो बार मैंने इसे शॉर्टलिस्ट किया, कार्ट में करा, बट जब तक मैं और चीजें फाइनलाइज कर रही थी तब तक ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया. और एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि जब भी आप अमेजोन से लाइक इलेक्ट्रिक चीजें परचेज करें तो एक ट्रस्टेड सेलर से करें या फिर जिसके रिव्यूज बहुत अच्छे हो. रिव्यूज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. मुझे लिटरली 1 महीना लगा है इसको फाइनलाइज करने में. तो चलिए इसको देखते हैं. सो इट कम्स विद दिस केस एंड इसके थ्रू, और ये बहुत अच्छा है, लाइक इसके अंदर फॉर्म है तो ये ना कहीं पे टूटने वूटने से भी इसको बचाएगा. तो और हैंडी है, इसे आप कहीं पे भी इसमें डाल के ले जा सकते हैं. सो या दिस इज द रिंग लाइट दैट आई वाज लाइक ड्रीमिंग ऑफ सिंस आई स्टार्टेड द चैनल. मैंने एक लोकल मार्केट से भी परचेज की थी जब तक मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लाइक स्टार्ट जब मैंने किया था अपना यूट्यूब चैनल आज से 1.5 महीना पहले. तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी लाइक जिस जगह पे लाइटनिंग नहीं है ना उस जगह पे शूट करने के लिए. तो हमने एक लोकल मार्केट से परचेज करा, बट वो लाइट ठीक है, मतलब छोटी है, लाइक 8-10 इंच होगी या मैक्सिमम 10-12 होगी, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट उसकी लाइटनिंग एंड वो सब उतना अच्छा नहीं है. मतलब शुरू में देखा था तो बहुत अच्छा लगा ना, लाइक फर्स्ट टाइम पे आज तक वैसे देखी औरों के पास अपने पास ही नहीं तो लाया, बड़ा अच्छा सा है, बट लिटरली इट वॉज नॉट. अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको इस टाइप की ही चाहिए, लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड ट्रस्ट मी इट्स वर्थ. तो ये 18 इंचेस है, लाइक इसमें आपका पूरा फेस आ जाता है, ये देखिए. और इवन एक्स्ट्रा जगह ही है. ये डुअल शेड में आती है, वॉर्म एंड आई थिंक सम काइंड ऑफ वाइट. मॉडल नंबर है इसका DRL18H, डुअल कलर टेम्परेचर है ये, 55 वॉट की है और डुअल कलर टेम्परेचर में इसमें है 3200K से 5600K तक. इल्यूमिनेशन है इसका 5000 LM. सो या अब इसकी बात करते हैं. ओके तो इससे पहले मैंने एक रिंग लाइट ना इन बिटवीन, लाइक एक जो मार्केट से ली थी और एक ये एक और ली, उसमें लिखा वो था सेम 18 इंच, बट वो थी आई गेस 12 इंच समथिंग की, तो फिर मैंने उसे रिटर्न कर दिया. बट दिस टाइम इट्स टोटली ऑफ 18 इंच एंड इट्स गुड टू गो. तो इसको मैं इसके स्टैंड में एक बार आपको फिक्स करके बताती हूँ. इसके लिए आपको अलग सा स्टैंड भी लेना पड़ेगा. मैंने पूरा पैक लिया है और आप चाहें अगर आपके पास है स्टैंड तो आप सिर्फ लाइट भी ले सकते हैं.
सो दिस इज द स्टैंड. बहुत स्टर्डी है, बहुत हैवी मटेरियल है, तो ये मतलब बहुत सही है इसके हिसाब से. इवन ये जो लाइट है ना, ये भी बहुत ज्यादा हैवी है. तो ये आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप ये सोचो ना कि हम सिर्फ लाइट ले लेते हैं और अपने ट्राईपॉड में लगा देते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल. ये रिंग लाइट डिजिटेक की ये नॉर्मल जो वो होता है ना ट्राईपॉड, उसमें नहीं फिट होगी. इसके लिए आपको स्पेसिफिक इसका स्टैंड ही लेना पड़ेगा, और ये इतना ज्यादा डिमांडिंग है आजकल. मोस्टली यूट्यूबर्स के पास आपको ये मिलेगा, तो बिना डिले करे अगर आप इसे लोन लेने का सोच रहे हैं तो जल्दी कर लीजिए, किससे पहले ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए. सो ये है वो स्टैंड. पहले मैं आपको उसके स्टैंड का ही दिखा देती हूँ. ये जो हिस्सा है इसको आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा स्प्रेड भी कर सकते हैं, कम भी, जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना. आप इसको किसी भी विड्थ तक, ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी ये विड्थ. आप इसको किसी भी विड्थ, किससे मतलब कितना भी ज्यादा आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, और इवन आप इसको ये ऐसे कर, आप इसको कितनी भी कम करना है, आपको ज्यादा करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. उसके बाद आप यहाँ पे इसको फिक्स कर दीजिए तो ये स्टेबल रहेगा. बात करते हैं अब इसकी लेंथ की, तो ये आई थिंक 9-10 फीट तक है. ये फर्स्ट स्लॉट, यहाँ पे आपको ये मिलेगा. इसके बाद आपको इसको फिक्स करना है, एंड ये ऐसे नहीं है कि एकदम से ना टूट जाए, लाइक थोड़ा टाइट है ताकि ये अपनी पोजीशन पे रहे. तो ये ना समझिए आप लोग ना जो ले रहे हैं और स्टार्टिंग में से यूज कर रहे हैं कि यार ये हम इतना प्रेशर लग रहा है कि ये टूट ना जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. बहुत अच्छे मटेरियल का बना हुआ है. ये और ये यहां से खुल के इसके बाद और ऊपर चला जाता है. तो ये देखिए इसकी हाइट, यहां से शुरू होकर ये इतना ऊंचा चला गया है. और अब आप इसको, मेरी हाइट 5.5 है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं मैं सिर्फ इसके यहां पे तक आ रही हूं, है ना, इतना सिर्फ इस स्लॉट के बाद. और ये इसके ऊपर और भी काफी है, तो आप देख सकते हैं ये कितना लंबा है, है ना. तो ये बहुत अच्छा है, और ऊपर भी ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको लगा देंगे रिंग लाइट तो ये गिरने का डर है. ये बहुत अच्छा मटेरियल है, लाइक बहुत हैवी है. तो रिंग लाइट लगाने के बाद तो मतलब मेरे जैसे पतले से लोग इसको थोड़ा अच्छे से उठाए, लाइक दो हाथों से ही उठा सकते हैं, ये इतना हैवी है. और ऐसा भी नहीं है कि मीन्स आप इसको ना कैरी नहीं कर सकते, बहुत हैंडी है, बहुत फोल्ड होके ना बहुत इजी सा हो जाता है. सो बात करते हैं अब इसकी रिंग लाइट की, तो उससे पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं. और फिर हम इसमें रिंग लाइट को ऐड करेंगे. ओके, मैं आपको इतना अपने बराबर करके फिर बताती हूँ ना. अब हम इसमें रिंग लाइट लगाते हैं. रिंग लाइट को इसमें फिक्स करते हैं यहाँ पे, इसे ऐसे डाल के अब इसे घुमा देंगे. नहीं,
अब हम इसमें रिंग लाइट को फिट करते हैं। उसके लिए आप इसे उसमें अच्छे से ऐसे इंसर्ट करके, यहाँ पे एक नॉट है आप इसको टाइट कर दीजिए, तो ये आपकी रिंग लाइट इस स्टैंड में फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे इस साइड एक नॉट है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ इसे, ये इसको आप जब इसको जैसे चाहें, आप जिस भी डिग्री तक चाहें, ये देखिए ये पूरा बैंड हो जाती है 360 डिग्री। आप वैसा करके इसको जहां पे आपको जिस पोजीशन में चाहिए वहां पे जाके आप इसको टाइट कर सकते हैं, तो ये वहीं पे फिक्स हो जाएगा ना। अब इसका केबल इसमें अटैच करते हैं और इसकी ब्राइटनेस में आपको दिखाते हैं। सो ये केबल है एंड यू कैन सी काफी लंबी है ये भी। इसके पीछे आपको इस टाइप से मिल जाता है, यहाँ पे ये पॉइंट दिया है, इसमें फिक्स करिए और प्लग इन। अब यहाँ पे है एक ऑन ऑफ का बटन, ये करा एंड यू कैन सी द लाइट, ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस, वार्म टोन ये देखिए। और ये व्हाइटिश टोन, मैं आपको रूम की लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ तो शायद आपको समझ में आए कि इसका कितना ज्यादा ब्राइटनेस है। सो मैंने अपने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी है और ये जो है ये सिर्फ इसी रिंग लाइट की लाइट है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इसमें पावर है कि रूम में लाइट हो या ना हो। और ये इसका वार्म टोन, तो अगर ये है तो मतलब आप इजीली अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं, आप मेकअप वीडियोस या फिर ऐसा ही जिसमें आपको सिर्फ फ्रंट में प्रॉपर लाइटिंग से ही आपको किसी चीज की डिटेल देनी है या टेक्निकल जो चीजें हैं जिनके टेक्निकल चैनल्स हैं वो, उन सब के लिए ये एकदम परफेक्ट है और बहुत ज्यादा इसमें लाइट नहीं है। तो इसके बाकी फीचर्स की बात करते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं इसके, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है। इसमें आपको मोबाइल होल्डर मिलता है, ये इसे आपने यहाँ पे आपको ये स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे आपने इसे फिक्स करना है, इसे घुमा के आपने इसे इसमें फिक्स कर देना है। लाइक दिस, ये अपनी पोजीशन पे हो गया टाइट और इसको फ्रंट करके दिखाते हैं आपको, ये हो चुका है फिक्स। मैं आपको इसमें फोन एडजस्ट करके भी दिखाती हूँ। ये मोड अगर आपने YouTube के लिए शूट करना है तो आप इस तरीके से अपने फोन को फिक्स कर सकते हैं एंड यू आर रेडी टू गो। लाइक हम अगर इसकी लाइट खोलें तो ये देखिए है ना, कम कर देती हूँ मैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, बंद ही कर देती हूँ, ये हो गया। और अगर आपको फिर इंस्टाग्राम के लिए शूट करना है तो आपको फोन को घुमाना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसे इसको भी घुमाना पड़ेगा, तो आप इसे जस्ट ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे एक लट्टू जैसा है और स्पेस है तो आप इजीली इसे ऐसे और ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड में एक छोटा सा नॉट दिया है जिससे आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के लिए करना है तो ये रहा and just you are ready to shoot your videos with this beautiful and amazing ring light. तो ये सब है इसके features and one more thing, आप अपने इसमें आपको तीन panels type के भी दिए हैं, if you can see in this, ये ऐसा एक यहाँ पर और कहाँ गया, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर और एक ऐसा ही इधर यहाँ पर, ये है ना, ये जो है तो ये किस लिए है, ये इसलिए है कि आप अपना ये मोबाइल होल्डर यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं, इसके बगल में यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं और यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। तो मैं ये भी करके देख लेती हूँ ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो जस्ट एक केस है, ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे का, उसको आपने इस तरीके से बस अंदर इंसर्ट कर देना है
पास से दिखाती हूँ आपको, ये है और ये है। इसको जस्ट आपने ऐसे ये पकड़ के इसको जस्ट आपने ऐसे इसे इंसर्ट कर देना है, तो यू आर रेडी टू गो। एंड इसी तरीके से आप इसे दोनों साइडेड में भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे जो है ये उल्टा हो रहा है ना, मैं साइड से करती हूँ तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ये जो इधर है इसमें भी आप इसे जस्ट ऐसे डाल देंगे एंड ये, उसके बाद आप नॉट को अगेन टाइट करके आप यहां से भी इसे शूट कर सकते हैं। बट ये मुझे ना उतना कंफर्ट नहीं लग रहा, क्योंकि आप इसे आपने एडजस्ट कर दिया उसके बाद अगर कोई आया, आप ऐसे शूट कर रहे हो, कोई इधर से आया या थोड़ा सा भी इसमें मूवमेंट हुआ तो ये गिरने का चांसेस है, ये उतना ज्यादा स्टेबल यहाँ पे नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसे ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन है आप इसे वहीं पे एडजस्ट करके करिए। हाँ, घर के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट आपका फोन डैमेज होने का चांसेस कम है। नेक्स्ट थिंग कि आप इसमें बैटरी डाल के भी इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको सॉकेट नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रिक, तो इसमें दो बैटरी की भी जगह है, दिस एंड दिस। बट इसकी बैटरी किस टाइप की है वो मुझे भी अभी पता नहीं है, मुझे मिलता है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे आप वो बैटरी डाल के भी अपना काम चला सकते हैं। बात करें अगर इसके स्टैंड की, तो इसमें यहाँ पे जिसमें आप रिंग लाइट को अटैच करते हैं, यहाँ पे 1/4 का माउंटिंग थ्रेड है, 3 इसमें फ्लिप लॉक है, आप उसको हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और शॉक एब्जॉर्प्शन थ्रेड लगे हुए हैं इसके बॉटम में जिससे आपको करंट लगने से बच जाएगा। एंड वन मोर थिंग, ये जो फोन का अडेप्टर है ना, इसको आप यहाँ पे फ्रंट में भी लगा सकते हैं। तो टोटल आपको 1, 2, 3, 4, 5 जगह मिलती है जहां पर आप अपना ये फोन होल्डर लगा सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। सो या, दिस इज ऑल अबाउट दिस डिजिटेक रिंग लाइट। और लास्ट अगर इसकी बात करें, इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू, तो मेरे लिए ये 100 से अगर ऊपर भी कोई वैल्यू होती जिसमें हम इवेल्युएट कर पाते तो मैं उसे वही नंबर देती। इट्स अ टोटल वर्थ, ये मुझे पड़ी है 4300 की विद स्टैंड, मतलब प्रॉपर पूरा जो भी इसका सेट है। और अगर आपको सिर्फ रिंग लाइट चाहिए, आपके पास सॉफ्ट बॉक्स या फिर ये जो वाइट इफेक्ट के लिए लाइट्स होती है ना, लाइक फोटोग्राफर वगैरह के पास होती हैं, तो उनका अगर स्टैंड है तो उस पर ये इजिली मतलब लग जाती है, तो आप उस पर लगा सकते हैं। सिर्फ लाइट का प्राइस भी डिफर कर रहा है, आप जितनी बार चेक करते हैं प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, तो बट आपको 3000 to 3500 के बीच में ये मिल जाएगी। डिजिटेक की है कंपनी, ब्रांड मीन्स अपने आप में ही बहुत अच्छा है, इसकी रिंग लाइट ऑसम है, सो यू कैन गो विदाउट एनी सेकेंड थॉट। आई विल डेफिनेटली हाईली रिकमेंड इट। अगर आप मेरी तरह न्यू व्लॉगर हैं, आपने अपना यूट्यूब चैनल न्यूली स्टार्ट करा है, या आप पुराने भी हैं और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अच्छी रिंग लाइट में, तो दिस इज द वन फॉर यू। 18 इंच है, कोई डाउट नहीं है, ये एग्जैक्टली जैसा मेंशन करा गया है वैसी ही आपको रिसीव होगी, 7 डे का रिप्लेसमेंट है। बट हाँ, मैंने जितने भी सेलर चेक करे, कहीं पे एक्सचेंज मीन्स रिटर्न पॉलिसी नहीं है, आपको एक्सचेंज करके मिल जाएगा, 7 डेज के अंदर आप इसे रिटर्न करके एक्सचेंज कर सकते हैं। बट फाइनली जो रिटर्न होता है ना कि आपको अपना पैसा वापस मिल जाता है, वैसा कहीं पर भी नहीं है। एंड अगर आपने माइंड सेट कर लिया है कि आपको रिंग लाइट लेनी ही है, तो मुझे नहीं लगता कोई इसे अच्छी कंडीशन में जिसको मिले उसके बाद उसे रिटर्न करेगा। तो ये सब था एक रिंग लाइट का जो भी है ब्लॉग या वीडियो, जो भी आप कहें, मेरे लिए एक हैप्पी परचेज है। आई विश कि आपके लिए भी हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड इसकी बैटरीज का भी मैं शॉर्टली ऐड कर दूंगी। हो सकता है जब तक ये वीडियो आपके पास आए तब तक आपको बैटरीज का भी उसमें लिंक मिले। सो या, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को। वैसे तो अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट आई डेस्परेटली वॉन्ट माई चैनल टू ग्रो, तो उसके लिए आप सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है। प्लीज सपोर्ट करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियोस शेयर करिए, एंड लव फ्रॉम अस टू यू। थैंक यू सो मच।